जब घर में कोई रहने आता है और चला जाता है तो घर बहुत सुना सुना लगता है। मेरे पेरेंट्स एक महीने से यहाँ थे, कभी मेरे यहाँ कभी भाई के यहाँ, वह कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। टू बी ऑनेस्ट, ना काम में मन लग रहा था ना घर में, बट मैंने कोशिश किया है और आप सबके लिए एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है। आई होप यू विल एंजॉय वॉचिंग इट। गुड मॉर्निंग माई लवली व्यूअर्स, कहीं आपको ये तो नहीं लगा ना कि मैं साइलेंट ब्लॉग कर रही हूँ। एनीवेज, कल लेट नाइट तक हम न्यू फर्नीचर को सेट करने में लगे हुए थे। हर वक्त ज़्यादा सख्ती नहीं किया है, मैं तो बस उन्हें हाथ बटा रही थी। टू बी ऑनेस्ट, लुक वाइज इस फर्नीचर को मैं 10/10 दूंगी। इसका टेक्सचर, इसका लुक, फॉर द प्राइस इज वर्थ। बट जो मुझे लगा, आप इसको सेट करके एक जगह पे रख दो तो ठीक है, इसे यहाँ से वहाँ किया तो आई रियली डाउट कि ये कितने दिन लास्ट करेगा। ऑल्सो यू हैव टू बी मेंटली प्रेजेंट टू डू द DIY फर्नीचर एंड सेट इट अप। पेशेंस बहुत चाहिए होता है, एक भी पीस गलत फिक्स हुआ तो आपको पूरा रिवर्क करना पड़ता है। मुझे लग रहा था कि कपड़े रखने के लिए दो वार्डरोब्स काफी हैं, पर अगर आपने मेरा होम टूर वाला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि मेरे यहाँ फुल साइज वार्डरोब्स नहीं है। इट्स रफली 5.5 feet वाइड। धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि इतनी जगह काफी नहीं है और ज़्यादा इन्वेस्ट करने का मन भी नहीं था, क्योंकि नए घर के लुक एंड फील के साथ एग्जिस्टिंग फर्नीचर जाएगा भी कि नहीं, वी हैव नो क्लू। तो बेस्ट मुझे IKEA का ये प्रोडक्ट लगा जो रीजनेबल है, एस्थेटिकली मेरे घर के इंटीरियर को भी मैच करने वाला था। हम ये सोच के सेल्फ डीप कर देते हैं कि ज़्यादा सामान रहेगा, बट आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा ड्रॉवर्स यूज़ करें डीप सेल्फ के लिए, या फिर ऑर्गेनाइजर्स जिससे आप अंदर की चीज़ों को भी इजीली एक्सेस कर पाएं। मिडिल में मैंने उसके डेली वेयर्स के टॉप्स, टीज एंड लेगिंग्स अरेंज कर दिया है। ऊपर के इस ड्रॉ में मैंने रूही के आउटवेयर टी शर्ट्स रखे हैं और कलर के हिसाब से अरेंज किया है। नाउ आई रियलाइज कि आई एंड अप बाइंग टू मच वाइट्स फॉर हर। आई एम रियली ग्लैड कि आई एडेड दिस फर्नीचर, क्योंकि रूही के बहुत सारे कपड़े अंदर ही छिप जाते थे, यूज नहीं होता था और वो छोटे पड़ जाते थे। ऐसे ड्रॉर्स में अरेंज कर दूँ तो आई कैन हैव अ लुक ऑन वॉट ऑल सी हैज़।
फोल्डिंग टेक्निक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ड्रॉयर्स में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं अगर आप उसे सही से फोल्ड करके रखें तो। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ वॉचिंग एंड आप नया घर सेट करने वाले हो तो कोशिश कीजिए कि ड्रॉयर्स इनकॉर्पोरेट करें अपने वार्डरोब्स में। थोड़ा प्राइसी होगा बट आई थिंक इट विल बी वर्थ। लास्ट ड्रॉअर में मैंने उसके आउटवेयर के बॉटम्स रखे हैं, स्कर्ट्स, पैलाजो, शॉर्ट्स, जीन्स सब इसमें आ गए हैं। वेल, मेरे मास्टर बेडरूम के अंडर बेड में भी ड्रॉवर्स हैं और मैंने थ्री फोल्ड टेक्निक यूज़ करके ही सारे कपड़े अरेंज किए हैं। वो ड्रॉअर्स हमेशा ऑर्गेनाइज रहते हैं तो ड्रॉअर्स यूज़ करने के फ़ायदे तो हैं बट या इट्स अ पर्सनल चॉइस। अगर आपका बजट आपको अलाउ कर रहा है तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप ड्रॉअर्स इंस्टॉल करें। ये ब्लॉग थोड़ा शॉर्ट हो गया बट ट्रस्ट मी इट टुक द होल डे टू अरेंज एंड प्लान एंड कीप हर थिंग्स इन प्लेस। वेल, चेस्ट ऑफ ड्रॉअर तो हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, अब मैं क्विकली आपको वार्डरोब का टूर दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने उसके विंटर वेयर्स रखे हैं जो रेगुलरली अभी के लिए यूज़ नहीं हो रहे हैं, और ये है शॉर्ट्स जो वो घर पे पहनती है तो उसको मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया है। उसका एक ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर था, कपड़ों से बना था, तो अभी इसका ये वाला सेल्फ हैज गिवन अप। तो मैं अगर जल्दी में रहती थी, कुछ चाहिए होता था तो इट वाज ऑलवेज गेटिंग स्टक और मुझे परेशानी होती थी, तो आई हैव डिवाइडेड इट इनटू पार्ट्स और इसमें मैंने रोहित के स्कूल यूनिफॉर्म्स रख दिए। नीचे वाले सेल्फ में उसके पैंट्स हैं और ऊपर वाले में मैंने उसके टी शर्ट्स अरेंज कर दिए हैं। तो इट विल गो, उसके एक पार्ट में मैंने सॉक्स रख दिया है और एक पार्ट में मैंने उसके इनरवेयर्स रखे हैं, और ये कुछ उसके नाइट ड्रेसेस हैं जो पैर्स में है, तो मैं इसको यहाँ ऑर्गेनाइज करके रखूँगी अभी, और जब भी कुछ चाहिए होगा तो आई जस्ट टेक इट आउट एंड यहाँ एक्सेस आसानी से हो जाए। ठिकाने लगाना है उसके एथनिक पैर्स भी कुछ डिस्कार्ड करने हैं मुझे, तो आई होप कि वो जगह बन जाएगा। स्कूल स्टार्ट होते ही प्रोजेक्ट्स एग्जाम्स पाइपलाइन में आ जाते हैं तो दो ब्लॉग्स रिलीज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।